हाँ जी जब आदमी सो जाता तो खड़ा दिन में सो जाता, बाहर का हालत कुछ पता नहीं लगता। हाथ उठाओ। जैसे बेहद की दुनिया में आत्मा परम धाम जाती है तो वहां सो जाती है या नहीं सो जाती है कि जागृत अवस्था में है? आत्मा रहती है या कहीं चली जाती है? है? रहती है। ऐसे ही इस दुनिया में आकर के ये शरीर ही आत्मा का घर है। सुषुप्ति अवस्था में भी आत्मा शरीर में ही रहती है, स्थूल शरीर में ही रहती है, लेकिन सूक्ष्म शरीर उड़ता रहता है स्वप्न में। आत्मा कहीं चली नहीं जाती है। अगर चली जाए तो शरीरधारी की श्वास प्रश्वास बंद हो जाएगी या चालू रहेगी? बंद हो जाएगी। और देवताओं को ताज होता है, जो ताज लगाते हैं वो ताज का क्या मान्यता है? देवता ही लगाते हैं, दूसरा कोई नहीं लगाते हैं। देवता का जो ताज है ऐसी क्या मान्यता है? केवल देवता ही पहनते, कोई और नहीं पहनते। कारण पूछा। जो राजाएं होते थे द्वापर कलयुग में, राजाएं होते थे वो भी ताज पहनते थे या नहीं पहनते थे? तो ऐसा नहीं है कि देवताओं को ही ताज होता है। द्वापर कलयुग में जो राजाएं होते थे वो भी ताज पहनते थे, और ताज दो प्रकार का होता है। एक है पवित्रता का ताज जो सिर्फ देवताओं को ही होता है, और दूसरा है जिम्मेवारी का ताज। ये देवताओं को भी होता है, देवताओं ने भी, देव आत्माओं ने ही स्वर्ग की नई दुनिया बनाने का ताज धारण किया था। अगर ये जिम्मेवारी उन्होंने नहीं ली होती तो नई दुनिया आ जाती क्या? आ जाती है? नहीं आ सकती। जिसने जितनी पवित्रता को धारण किया उतना उतना उन्हें पवित्र दुनिया में स्थान मिल जाता है। कोई को एक जन्म का, कोई को पूरे 21 जन्म का। वो पवित्रता का ताज धारण करने वालों की संख्या कितनी है? नौ लाख तो सतयुग के आधे पहले जन्म में ही होते हैं। सतयुग के अगले जन्मों में या त्रेता में देवताएं नहीं होते? होते हैं या नहीं होते हैं? होते हैं। तो उनको पवित्रता का ताज नहीं होता क्या? होता है, लेकिन नंबरवार होता है।
तो पवित्रता का ताज धारण करने वाले टोटल कितने हैं? है? वहां यथा राजा तथा प्रजा दोनों ही पवित्र देवताएं होंगे या सिर्फ राजाएं ही पवित्र देवताएं होंगे? तो प्रजा ने भी कुछ न कुछ समय पवित्रता का ताज धारण जरूर किया है। तो कितनी संख्या होगी? 10 करोड़ संख्या होगी। बाकी द्वापर कलयुग में जो आते हैं राजा रानी, उनको पवित्रता का ताज नहीं दिखाया जाता, स्थूल ताज देते हैं। उन्होंने राजाई तो प्राप्त की, सेवा तो की है, लेकिन पवित्रता धारण नहीं किए है। उस सेवा के आधार पर उनको राजाई मिल जाती है। कोई राजा को लाखों की तादाद में प्रजा होती है, करोड़ों की तादाद में प्रजा होती है, कोई की कम प्रजा, कोई की ज्यादा प्रजा। जिसने ज्यादा सेवा की है उसकी ज्यादा प्रजा, और जिसने कम सेवा की है उसकी कम प्रजा। और लड़ाई झगड़ा बात नहीं, सिंगापुर की कौन सा क्यों जरूरत है? सतयुग में तो झगड़ा झगड़ा नहीं होता, सेनापति क्यों होता है? गड़ा गड़ा क्या? सतयुग में लड़ाई झगड़ा नहीं होता है तो सेनापति पद नहीं होता। अरे सतयुग के सेनापति की बात थोड़े ही की, ये तो द्वापर कलयुग के सेनापति की बात की। वहां भी राज काज संभालने वाले पदाधिकारी होते हैं या अपने आप चलता रहता है सब कुछ? होते हैं। वहां सिर्फ मंत्री एक ही होता है नई दुनिया में, और रावण राज्य में मंत्रियों की संख्या बढ़ती जाती है, ये अंतर है। और अंतमति सोगते। ऐसे सत्ययुग में जब नारायण और लक्ष्मी को देखकर, लक्ष्मी नारायण को देखकर शरीर छोड़ते हैं, किसको देखते हैं? शरीर को या महात्मा को देखते हैं? तो अगले जन्म में वो नेक्स्ट लक्ष्मी नारायण और नारायण लक्ष्मी बन जाते हैं। तुमको ये ज्ञान किसने दिया कि लक्ष्मी नारायण को देखती है और नारायण लक्ष्मी को देखता है? पहले ये बताओ, ये ज्ञान कहाँ से लिया? मुरली से लिया या किसी देहधारी धर्मगुरु ने सुनाई दिया? कहाँ जाते हो क्लास करने? तीन मास पहले भट्टी की, अभी क्लास कहाँ करते? मैं तो अभी ऑडियो सुनता हूँ, और ऑडियो सुनता हूँ जब मन में छुट्टी में आता हूँ, तब क्लास गीता पाठशाला में करता हूँ। हाँ, माने वहाँ भी रेगुलर नहीं है? रेगुलर नहीं है, जब चाहा तब चले गए। ऐसे नहीं है, मैं नौकरी करता हूँ और नौकरी में ऑडियो सुनता हूँ। अच्छा, इनमें कोई ऐसे बैठे हैं जो नौकरी धंधा नहीं करते हैं? लेकिन उधर नहीं है, मैं क्लास करने के लिए सेंटर। अच्छा सुनो, चलो जो कुछ भी है, लक्ष्मी नारायण को नहीं देखती है इन आंखों से, और ना नारायण इन आंखों से लक्ष्मी को देखता है। लक्ष्मी नारायण का चित्र ध्यान से देखा, वो एक दूसरे को देख रहे हैं? देख रहे हैं नहीं।
फिर अगर वो भी देखने लगे तो उनकी चढ़ती कला नहीं कही जाएगी, क्योंकि इंद्रियों का सुख ले रहे हैं, चाहे देवता हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे राक्षस हो, अगर इंद्रियों के द्वारा सुख भोगते हैं तो नीचे गिरेंगे या ऊपर उठेंगे, नीचे गिरते हैं। और उनकी तो संगम युग में चढ़ती कला है, वो है ही संगम युगी लक्ष्मी नारायण, वो वाइब्रेशन से ही सुख लेते हैं, आंखों के द्वारा सुख नहीं लेते। हाँ, उनकी जो रचना की पैदाइश सदयुग में होती है राधा कृष्ण, वो चित्र में दिखाया हुआ है कि वो एक दूसरे को देखते हैं, देख देख करके आनंद लेते हैं, सुख लेते हैं। इसलिए एक ही जन्म में उनकी चौथाई कला कम हो जाती है। तो ये ब्रह्म बुद्धि में से निकाल दीजिए कि लक्ष्मी नारायण की अंतमते सो गते होती है। और कहां से आवाज आई? ऊपर ऊपर। तेरी, हाँ बोलो। हाँ, जैसे हनुमान ने सीता माई को जाकर राम का परिचय दिया था, तो हनुमान ने जाकर सीता माई को जाकर राम का परिचय दिया था, वैसे भी कोई हनुमान मेडिकल होगा जो जाकर छोटी मम्मी को बाप का परिचय देगा, ऐसे ही वो बाप का परिचय। शिव बाबा मूल रूप में पढ़ाई किसको पढ़ाते हैं? है यज्ञ के आदि में ही शिव बाबा ने प्रजापिता के द्वारा किसको पढ़ाई पढ़ाई? जो पहली मूर्ति प्रत्यक्ष हुई ब्राह्मणों की दुनिया में, किसको पढ़ाई? है ब्रह्मा को पढ़ाई। वो ब्रह्मा की आत्मा ही सीता को संदेश ले जाने वाली है। निमित्त जरूर कोई बनता है, निमित्त माने साकार। और जैसे बोला अर्जुन एक है या अनेक है? अर्जुन अनेक है, युद्ध स्थिर अनेक है, भीम भी नंबर वार अनेक है, ऐसे ही हनुमान एक है, महावीर एक है या नंबर वार है? नंबर वार है। मूल रूप में हनुमान की पूजा जो सीढ़ी की चित्र में दिखाई गई है, वो हनुमान कौन है? जो अभी भी अपनी पूंछ से देह अभिमानी रावणों को, उनके दिल को जला रहा है, है? नहीं है? हनुमान ने रावण की लंका में आग लगाई, उसकी पूंछ में कपड़े बांधे गए, स्थूल कपड़े बांधे गए या शरीर रूपी वस्त्र बांधे गए? शरीर रूपी वस्त्र बांधे गए। और तेल डाला गया, घी नहीं डाला, क्या
रावण की लंका में जितना तेल था वो सारा तेल डाला गया। तो प्योर ज्ञान था या इम्प्योर ज्ञान था? इम्प्योर ज्ञान को तेल कहा जाता है। तेल कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने वाला होता है। तो हनुमान की पूंछ में आग लगाई गई और वो हनुमान कहो अथवा उसको भगवान के प्रैक्टिकल पार्ट का साथ देने वाला बलराम कहो। जैसे हनुमान हट्टा कट्टा दिखाया जाता है वैसे बलराम भी हट्टा कट्टा दिखाया जाता है। बलराम का हथियार हल है जो धरणी को चीरता है और हनुमान अपनी पूंछ से बड़ा बड़ा काम करता है। ये पूंछ देह अभिमानी की पूंछ है या कोई दूसरी है? है देह अभिमानी की पूंछ है। वो देह अभिमान सबसे जास्ती दुनिया में किसको होता है? इस दुनिया में सबसे जास्ती देह अभिमान किसको होता है? है? अच्छा गुरुओं में होता है कि नहीं? होता है। गुरुओं में बहुत देह अभिमान होता है। उन गुरुओं के बीच में बड़े से बड़ा गुरु कौन बन के बैठता है? है? तो वो ही देह अभिमान की पूछ वाला गुरु है। जब बुद्धि में ज्ञान बैठ जाता है, राम से मेल हो जाता है बुद्धि का, तब सहयोगी बन जाता है। जो सहयोगी बनता है तो वही हनुमान सीता को लाने वाला बनता है। हनुमान अव्वल नंबर का कोई दूसरी आत्मा नहीं है। हनुमान के रूप में भी दिखाते हैं और गणेश के रूप में भी दिखाते हैं। और बाबा बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ और मुझ बाप को याद करो। बच्चा है अपने को आत्मा समझ समझ है? बच्चा अपने को आत्मा समझ समझ समझता है? समझ समझ आत्मा बन जाता है। बच्चा अपने को आत्मा समझ समझ बच्चा समझ कर आत्मा आत्मा बन जाता है। आत्मा बन जाता है जो आत्मा तो है पॉइंट ऑफ लाइट आत्मा है। पॉइंट ऑफ लाइट आत्मा हाँ पॉइंट ऑफ लाइट है और वो आत्मा को आत्मा से चलन संकल्प विकल्प नहीं होता है। आत्मा में संकल्प विकल्प नहीं होता है। आत्मा में संकल्प विकल्प नहीं होता है। जो देवगण जब छूट जाएंगे ना आत्मा जब टिक जाते हैं तो बच्चा आत्मा में टिक जाते हैं तो देवगण छूट जाते हैं। सदा काल के लिए हाँ उसी समय छूट जाते हैं। जितने समय के लिए ज्योतिबिंदु आत्मा अपन को समझेंगे उतने समय के लिए संकल्प विकल्प नहीं होता है। बंद हो जाता है। बंद हो जाते हैं। तो आत्मा कैसे परमात्मा को उसी समय याद करते हैं है? तो उसी समय आत्मा परमात्मा को कैसे याद करते हैं? परमात्मा को याद करती है या परमपिता परमात्मा को याद करती है? परमपिता परमात्मा को याद करते हैं। परमपिता परमात्मा एक आत्मा है या दो आत्माओं का कॉम्बिनेशन है?
परमपिता शिव है और परमात्मा परम पाटधारी हीरो पाटधारी प्रजापिता है। तो प्रजापिता में अर्थात साकार में निराकार को ज्योतिबिंदु आत्मा नहीं याद कर सकते। उसी समय तो आत्मा में संकल्प विकल्प नहीं चलता है ना। संकल्प कहाँ चल रहा है? मैं भी बिंदु, बाप भी बिंदु, सब कहाँ संकल्प है? दोनों ही तो बिंदु। तो वो एक बिंदु दूसरे बिंदु को इसी समय कैसे याद करते हैं? ओ बिंदु जो आत्मा बन गया, वो बिंदु ज्ञान सागर बाप में समा गया। जो भक्ति मार्ग में बोलते हैं आत्मा बुदबुदा है, सागर से बुदबुदा निकलता है, सागर में समा जाता है। सागर में जितने भी संकल्प विकल्प रूपी लहरें हैं, वो सारी लहरों में जो आत्मा ज्योति बिंदु बन जाता है वो समा जाता है, एक रूप हो गया। उनको अलग अलग नहीं कर सकते, इसलिए कहते हैं आत्मा सो परमात्मा। लेकिन लोग समझते नहीं है कि आत्मा सो परमात्मा कब और कैसे बनता है। ज्योतिबिंदु आत्मा भी है और ज्योतिबिंदु परमपिता भी है, लेकिन वो परमपिता ज्योतिबिंदु कहाँ है? परम धाम में है या कोई शरीरधारी में है? कोई शरीरधारी में है। अगर जीवन मुक्ति पाना है तो साकार में निराकार को याद करना पड़े। अगर सिर्फ मुक्ति पाना है तो अपन को आत्मा समझ अल्लाह मियां को याद करो। कुमार का नदी और जगदीश भाई और विश्वेश्वर भाव जितने भी अभी तक शरीर छोड़ा है, तो अभी तो बाबा तो ये संगम जी को लास्ट तक तो अभी तक शरीर मिलेगा तो नहीं? तो बाबा क्या नहीं मिलेगा संगम तक? जितना भी जितने दिन से संगम युग है अभी तक तो उनका शरीर नहीं मिलेगा। तो बाबा ये लोग जब पावन बनेंगे तो अरबत नदी जो बच्चों का आगे शरीर में प्रवेश करके पावन बनेंगे, कपून बनेंगे। रुद्रमाला का मतलब यह है रुद्राक्ष। अक्ष माने आंख, आत्मा रूपी आंखें, रुद्राक्ष। रुद्राक्ष के जो मणके होते हैं, किसी में एक मुख होता है, किसी में ज्यादा मुख होते हैं, वो मुख किस बात की यादगार है? कि इतनी आत्माओं ने प्रवेश करके उनके मुख के द्वारा कुछ न कुछ सुनाया है, इसलिए वो मुख दिखाए जाते हैं रुद्राक्ष में। तो ये रुद्रमाला के जो मणके हैं सब समान मुख वाले हैं या कम ज्यादा मुख वाले हैं? हैं? हाँ, कोई तो ऐसा मणका है जिसमें एक ही आत्मा प्रवेश करती है, बाप दादा, और कोई ऐसा है जिसमें अनेक आत्माएं अनेक धर्मों की प्रवेश करती है। तो जहां जहां कन्वर्ट हुए हैं, जिन जिन धर्मों में, उन उन धर्मों की मुख्य मुख्य आत्माएं उनमें प्रवेश कर जाती है। इसलिए वो रुद्राक्ष के मणके कहे जाते हैं। उनकी आंखों से रुद्र सारी दुनिया को देखता है, इसलिए विराट रूप में कहते हैं हजार आंखों वाला, हजार भुजाओं वाला कहते हैं ना। वो प्रैक्टिकल रूप अभी चल रहा है, कोई कितना भी छुपावे, लेकिन
उसका छुपा हुआ रूप बाप के सामने जरूर प्रत्यक्ष हो जाता है। कोई न कोई उनका मिट मैट जो ज्यादा नजदीकी होता है, आज मिटमैट है और कल क्या बन जाता है, शत्रु बन जाता है। और बाप के सामने सारी बात खुलासा कर देता है। तो आत्मा में अनेक भी प्रवेश करते हैं, जो प्रवेश करने वाले हैं, जिस रुद्राक्ष में प्रवेश करते हैं उसके द्वारा ही ज्ञान सुनते हैं, उसके द्वारा ही दृष्टि का संयोग लेते हैं बाप से, और संग के रंग से पतित से पावन बनते हैं। हाँ जी, हाथ उठाओ। हाँ, विराट रूप में 84 जन्मों का चित्र दिखा दो। हाँ, सौ है देवता, पाव में एक क्षत्रिय, पेट में वैश्य और पाव में एक शूद्र, थोड़ा विस्तार से समझे। क्या क्या? सौ को देवता कहते हैं, पाव को क्षत्रिय कहते हैं, पेट को वैश्य। हाँ, चार वर्ण दिखाते हैं विराट रूप में। हाँ, समझाने के लिए। हाँ, तो मस्तक समान देवताएं, देवताएं ज्ञानेंद्रियों से सुख लेते हैं या कर्मेंद्रियों से सुख लेते हैं? तो देवताएं किस समान होना चाहिए? मुख समान होना चाहिए या शरीर के अंगों के समान होना चाहिए? है? मुख समान है देवताएं, क्योंकि मुख की इंद्रियों से ही, जो श्रेष्ठ इंद्रियां हैं उन्हीं से सुख लेते हैं, इसलिए वो विराट रूप है जो मुख दिखाया है। बाबा कहते हैं चोट ही नहीं दिखाई है। हम ब्राह्मण क्या हैं? देवताओं से भी ऊंचे हैं। तो देवताओं से भी जो ऊंचे हैं ब्राह्मण, उनको विराट रूप में क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि माया हमको घड़ी घड़ी संशय बुद्धि बनाती रहती है, इसलिए चोटी नहीं दिखाई है, मस्तक समान देवताएं दिखाए हैं। ऐसे ही दो कलाएं कम हो जाती हैं त्रेता युग में क्षत्रियों की, तो भुजाओं में देहबान आ जाता है, आंखों में भी रहता है, भुजाओं में भी आ जाता है। छाती में भी देह अभिमान आ जाता है। जहां तक भुजाएं हैं देहबान है, फिर द्वापर आता है, द्वापर में संग्रह वृत्ति शुरू हो जाती है, पेट में जैसे माल इकट्ठा करते हैं ना, ऐसे ही पेटू हो जाते हैं। और उन कर्मेंद्रियों से भी सुख भोगने लगते हैं जो काम विकार को उत्तेजित करती हैं। सबकी कामनाएं बढ़ती जाती हैं। देवताओं की कोई कामना नहीं होती है, और द्वापर युग से मनुष्यों में अनेक प्रकार की कामनाएं होती हैं। कामनाओं के कारण उनको वैश्य कहा जाता है, विषयस,
एक से संतुष्ट नहीं होते। एक की पूर्ति हुई तो दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी संख्या बढ़ती जाती है, व्यभिचारी बनते जाते हैं। सतयुग त्रेता में देवताएं व्यभिचारी नहीं थे, सारा जीवन एक के साथ व्यतीत करते थे। एक जन्म ही नहीं, जन्म जन्मांतर एक ही आत्मा के साथ उनका संग रहता था। और द्वापर में अनेकों के साथ संग होता है, अनेकों के साथ अंत मते सुगते होती जाती है। तो कामनाएं बहुत बढ़ जाती हैं, कामनाएं बहुत बढ़ने के कारण जो देह की इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां, उनसे सुख भोगने की लालसा बढ़ जाती है। इतनी लालसा बढ़ती है कि कोई कोई तो अनेक धर्मों में कन्वर्ट होती रहती है। उस लालसा की पूर्ति के लिए जो देवताओं का हिंदू सनातन धर्म का नियम है, एक नारी सदा ब्रह्मचारी, वो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्मा है, उस नियम को पूरा ही तोड़ देती है। तो विषय विकार बढ़ेंगे या घटेंगे? विषयस बन जाते हैं, विषयस से बना है वैश्य। और कलयुग में तो कोई धर्म ही नहीं, शूद्र बन जाते हैं, क्षुद्र। क्षुद्र माने कर्मों से अति नीच कर्म करने वाले, चोरी, चकारी, डकैती, लुच्चे, छिनरे बढ़ते चले जाते हैं, उनको कहा जाता है क्षुद्र। क्षुद्र शब्द से बना शूद्र। तो विराट रूप में वो चारों ही वर्ण दिखाए हुए हैं, अर्थात जो विराट रूप धारण करता है उस बीज रूप आत्मा में चारों ही वर्णों की अति समाई हुई है। उसके लिए मुरली में बोला है, जो अव्वल नंबर ब्राह्मण सो अव्वल नंबर देवता, जो अव्वल नंबर देवता सो अव्वल नंबर क्षत्रिय, वो ही अव्वल नंबर विशेष वैश्य। ज्यादा से ज्यादा रानियां रखने वाला राजा द्वापर में बनते हैं, और वो ही कलयुग में शूद्र बन जाते हैं। तो ये विराट रूप भगवान का रूप है, वो ऊपर वाली आत्मा है या नीचे वाली आत्मा है? ऊपर वाली चार रूप धारण करती है? नहीं, जिसमें वो प्रवेश करता है वो चार रूप धारण करता है, चार वर्ण में उस्ताद है। इसलिए मुरली में बोला है, स्वर्ग की दुनिया मेरी है तो नरक की मेरी नहीं है क्या? माना नरक की दुनिया में भी वो हीरो है, उसको नरक की जो भी अवस्थाएं हैं उन अवस्थाओं को दिखाने के लिए दो ही आत्माएं प्रसिद्ध हैं, जिनके लिए कहा गया है चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। प्रवृत्ति मार्ग की सृष्टि रचने वाली दो मुख्य आत्माएं कौन कौन है?
राम और कृष्ण की आत्मा है। और बाबा शिवपुरी का अर्थ क्या है? शिव शिवपुरी का अर्थ क्या है? शिवपुरी, शिव माने बिंदु, सदैव ज्योति बिंदु, मेरी आत्मा का ही नाम शिव है, तुम्हारी आत्माओं का नाम नहीं पड़ता है, और कोई भी दुनिया में ऐसी आत्मा नहीं है जिसका नाम पड़ता हो, मेरी आत्मा का नाम शिव है। और नाम का आधार क्या है? काम। मेरी ही आत्मा एक ऐसी है कि इस दुनिया में आकर जो भी काम करती है, जो भी इंद्रियों से काम करती है, जैसा भी काम करती है, वो काम का रिजल्ट शिव अर्थात कल्याणकारी ही होता है, अकल्याणकारी नहीं हो सकता, इसलिए उसको शिवपुरी कहते हैं। कैसी पुरी? कल्याणकारी पुरी। वो कल्याणकारी पुरी जिसे शिवपुरी कहा जाता है, वो ऊपर है, सूरज चांद सितारों की दुनिया से ऊपर है या इस सृष्टि में है? हैं? कहां है? अरे मेरा मुकर्रर रथ कौन सा है? जो मेरा मुकर्रर रथ है वो ही मेरी शिवपुरी है, उस रथ के लिए बोला है गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वर है, और गुरु साक्षात परम ब्रह्म। क्या छोटा मोटा ब्रह्मा नहीं, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। उस गुरु को नमस्कार है असली, न ब्रह्मा गुरु को नमस्कार है, न विष्णु गुरु को नमस्कार है, न शंकर गुरु को नमस्कार है, क्योंकि शंकर भी याद में बैठा है, अधूरा है तो याद में बैठा है कि पूरा है? अधूरा है तो याद में बैठा है, तो वो भी सर्वोपरि नहीं है। कौन है सर्वोपरि? है जिसमें शिव प्रवेश करके उसको आप समान बना लेता है, वो है परम ब्रह्म, उसको नमन करता हूं। जगन्नाथन जगत जगन्नाथ जो है, तो जगन्नाथ कौन है और जिनका हाथ भी नहीं है? अकेला चलो रे, ये बात दुनिया में पहले पहले किसी ने अपनाई होगी कि नहीं है? अगर कोई तेरा साथ न देता है तो तू अकेला चलो रे। और एक सेकंड दो सेकंड, मिनट दो मिनट, घंटा दो घंटा, दो चार दिन, महीने दो महीने, सप्ताह दो सप्ताह, एक वर्ष दो वर्ष, या कोई लिमिट ही नहीं है? लिमिट ही नहीं, अकेला चलो रे, जो किसी की परवाह नहीं करता साकार दुनिया में, कोई भी साकार की परवाह नहीं करता, एक शिव बाबा दूसरा न कोई, उसके लिए ये बात लागू होती है। क्या? जगन्नाथ, उसका कोई सहयोगी नहीं बनता। ऐसा भी टाइम आता है, यज्ञ के आज में भी ऐसा टाइम हुआ था, एक आत्मा एक तरफ
और सारी दुनिया दूसरी तरफ। जो यज्ञ के आदि में ब्राह्मण थे वो भी दूसरी तरफ हो गए और एक आत्मा अकेली रह गई जो आदि में, सो अंत में भी ऐसा ही होना है। एक आत्मा एक तरफ हो जाएगी, जो 100% निश्चय बुद्धि होगी वो, और बाकी आत्माएं 100% निश्चय बुद्धि होती है या नीचे ऊपर होती रहती है? बाकी सब नीचे ऊपर होती रहती है। उनके लिए नहीं कहा जाएगा ये एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, कुछ न कुछ दूसरा बन जाता है। हाँ मुरली में बोले कि जगत जगदम्बा अभी घूंघट में, तो अब जगदम्बा बच्चों के सामने प्रत्यक्ष नहीं हो रहे? जगदम्बा जगत की अम्बा है या सिर्फ सूर्यवंशियों की अम्बा है? सूर्यवंशियों के सामने जो बड़ल्ले बच्चे हैं उनके सामने पहले ही प्रत्यक्ष हो गई होगी या मध्य और बाद में प्रत्यक्ष होती है? हैं? पहले ही प्रत्यक्ष हो जाती है। बाद में सूर्यवंशी बच्चों के लिए बोला, जिनको प्रश्न पैदा होता है जगदम्बा है कहां, जगदम्बा अभी अज्ञानता के घूंघट में है, छुपी हुई है, जब टाइम आएगा तो प्रत्यक्ष हो जाएगी। श्रावण मास में जो श्रावणी भार लेकर के भक्त लोग जाते हैं, श्रावणी भार लेकर जाते हैं और शिवलिंग के ऊपर डालते हैं, बेहद में होता क्या? श्रावणी भार क्या होता है? पानी भार लेकर के जाते हैं, पानी का भार, कांवर। हाँ वो श्रवण कुमार की यादगार है जिसको सारी दुनिया श्रवण करती है, याद करती है। क्या? कानों से जिसकी महिमा सारी दुनिया सुनती है, उस श्रवण कुमार की यादगार में भक्त लोग अपने अंधे माँ बाप को आगे और पीछे कांवर में बैठा करके सारी दुनिया के जितने भी तीर्थ हैं उनकी यात्रा कराते हैं। तीर्थ माने तीर माने किनारा और था माने स्थान, ऐसा स्थान जो ठिकाने लगा दे मन बुद्धि रूपी आत्मा को। अब ये लोग इतने यहां बैठे हुए हैं, इनको यहां मन बुद्धि का ठिकाना मिला या नहीं मिला है, तो ये भी तीर्थ हो गया, या जो भी मिनी मधुवन है वो क्या हो गए? तीर्थ हो गए। उन तीर्थों में अंधे मां बाप को तीर्थ यात्रा कराता है। कौन है अंधे मां बाप? जिन्होंने बाप को भी नहीं पहचाना, ब्रह्मा और सरस्वती। हाँ भगवान की शिवा का तरह जो तीर्थ स्थान बनाया आपने, जैसे बोला भी मधुबन तो बनाया, ये मधुबन को मधुसूदन का संरक्षण में आपने मिलाया, तो भी मुझे तुम बोला था मधुबन को भी माया ज्यादा पकड़ता है। बाप की बच्ची नहीं है? सुनिए तो बात है, ये तो कुछ गायब है भक्तिमात मुझे परित्राण साधना जो है, परित्राण साधना में बिना जो धर्म संस्थापना था जो संभव मानी हुई हूँ, इसका क्या वक्त इसे कहे जाएंगे? साधुओं का भी उद्धार करता हूँ, परित्राण करता हूं,
जो साधु है ना, इंद्रियों की साधना करने वाले हैं, वो साधु हैं। या जंगल में भाग जाने वाले साधु हैं जो घर गृहस्थ में रह करके पति पत्नी साथ साथ रह करके साधना करते हैं, इंद्रियों की साधना करते हैं, इंद्रियों को साधते हैं, खुला छोड़ नहीं देते। अगर इंद्रियों को खुला छोड़ देंगे कर्म करने के लिए तो शक्ति जल्दी क्षीण होगी, या साधना करेंगे इंद्रियों की तो शक्ति पात से बचेंगे। क्या होगा? साधना करने वाले, इंद्रियों को साधने वाले अपनी शक्ति क्षीण होने से बचाएंगे। उन साधुओं के लिए बोला है परित्राणाय साधुनम, उन साधुओं की क्या करता हूं, रक्षा करता हूं माया से, जो जंगल में भाग जाते हैं, गृहस्थ में नहीं है, आश्रम बना के बैठे हुए हैं, रंगीन कपड़े पहन के बैठे हुए हैं, गृहस्थी है या सन्यासी है? हैं? सन्यासी है। उनके लिए नहीं बोला परित्राणाय साधुनम। माया बहुत, हाँ मधुबन में भी माया आती है। मधुबन में मधुसूदन विवाद करते हैं। मधुसूदन जो है, मधुसूदन जहाँ होता है वहाँ मधुबन होता है, मधुसूदन नहीं तो मधुबन भी नहीं। तो जहाँ मधुसूदन बाप है, मधुसूदन नाम क्या दिया, मधु माने मीठा और सूदन माने मारना वाला, उस मिठास को मारने वाला। क्या मिठास है? जो काम विकार है वो ही वास्तव में मधु राक्षस है। उस मधु राक्षस को मारने वाला है वो मधुसूदन। वो एक ही है जो मधु और कैटब को मारने वाला है राक्षसों को, वो मधुसूदन माया को आवाहन करता है, आओ। क्या कि डरता है? बोलो, माया से डरता है या बुलाता है? आओ। है माया स्त्री रूप में भी आती है, माया पुरुष रूप में भी आती है, माया पदार्थों के रूप में भी आती है। उस माया को जो अनेकों रूपों में आती है, मुख्य रूप में भक्ति मार्ग में माया किसको कहा जाता है? नहीं, काम विकार तो बाबा ने बताया है स्त्री को, भक्ति मार्ग में स्त्री रूपिणी को ही माया बताया है। माया के जितने भी रूप हैं उनमें स्त्री का रूप ही सबसे बड़ी माया है। तो वो माया, उसको आवाहन भगवान का पार्टधारी सबसे जास्ती करता है, या नंबरवार और गृहस्थी ज्यादा आवाहन करते हैं? है? बाकी तो सब नंबरवार हैं, और मधुसूदन नंबर वन है, वो डरता नहीं है। अरे सुंदर से सुंदर रूप धारण करके आ जाओ माया बेटी, क्या हम तुमसे लड़ाई लड़ेंगे? ऐसे नहीं, घर से बाहर निकाल देंगे। क्या ना हम घर से बाहर निकल के जाएंगे सन्यासियों की मिसल, और ना माया बेटी
तुमको भी नहीं निकल के जाने देंगे। मधुसूदन के घर में माया को जरूर आना चाहिए। आपको घबराहट हो रही है क्या? हाँ, मुरली में बोला है तो गलत बोला है क्या? मुरली में तो सही बोला है। मधुसूदन के घर में माया भी आती है। मधुसूदन का संरक्षण क्या? अरे वो तो कहते हैं लड़ाई लड़ो, बाप की याद में लड़ाई लड़ो। संरक्षण याद है न कि आशीर्वाद है? बाबा ने कब मना किया कि तुम अमृत वेले याद न करो? डट के याद करो, डट को लड़ाई लड़ो। लड़ रहे हो कि नहीं है? याद का प्रभाव दुनिया के लोग से है? दुनिया के लोग से माने हम बोलते हैं ज्ञान में है, लेकिन मधुबन के बाहर है, उनसे ज्यादा संभव है कि मधुबन में जो निवास करते हैं, मधुबन में जो निवास करते हैं वो अच्छे और श्रेष्ठ और पावरफुल स्थान में निवास करते हैं या कमजोर स्थान में निवास करते हैं? पावरफुल स्थान में निवास करते हैं तो महावीर होने चाहिए या साधारण वीर होने चाहिए? महावीर होने चाहिए। घबराहट नहीं क्या है? मधुसूदन तो हमारा सहयोग ही नहीं करता। अरे मधुसूदन तो कहता है इस माया ने 2500 वर्ष राज्य किया है, जैसे मैं सर्वशक्तिवान हूं ये माया भी सर्वशक्तिवान है, और इस सर्वशक्तिवान माया को मुझे जीतना है जो परमधाम में 2500 साल 5000 साल बैठा रहता हूं, या तुम्हें जीतना है? है तुम्हें जीतना है तो युद्ध भी किसको करना है? बिना लड़ाई के राजाई मिल जाती है क्या? है नहीं मिल सकती। तो खूब लड़ाई लड़ो, ऐसे नहीं समझो हम तो 70 साल के हो गए हैं, हमसे नहीं लड़ाई लड़ी जाती। पूर्ण संक्रांति जो संक्रांति आती है 14 जनवरी चलते हैं हम यात्रा, जो तेज अग्नि से चलते हैं और कांटों पर भी ट्रोलिंग करते हैं, कांटों पर भी गढ़ते हैं और तेज अग्नि से ऊपर भी चलते हैं, कुछ भी नहीं होता है, है? कुछ भी नहीं होता है हम लोगों का। किनको नहीं कुछ होता है? तुमने ध्यान से देखा नहीं, ये भक्ति मार्ग के सब दिखावे हैं। आग पर चलना, पानी से चलना, ये दिखावा मात्र है। पांव में मसाला लगा लेते हैं और मसाला लगा करके हिंदू भी उसे क्रॉस करते हैं और मुसलमान भी अलाव बनाते हैं। जलते हुए कोयलों का अंगारा अखाड़ा बनाते हैं लंबा लंबा और उस पर दौड़ते चले जाते हैं। उनके पांव में मसाला लगा हुआ होता है। असली बात यहाँ संगम युग की है। ये बुद्ध रूपी पांव हैं, इन बुद्ध रूपी पांव से हम जलते हुए कामाग्नि में दौड़ते हैं। कामाग्नि हमको परास्त नहीं कर सकती अगर हम बाप की याद में हैं तो। और बाबा जान ब्रह्मांडिक कुल संपूर्ण बन जाएगी तो सबको मालूम पड़ेगा कि बाबा चक्कर में
अरे बिना परिचय दिए मालूम पड़ जाएगा। आप परिचय देने के प्रयास से छूटना चाहते हैं क्या? हाँ परिचय तो देना पड़ेगा। ओहो शरीर कोई ऐसे होते हैं जो छूटते ही नहीं है, शरीर तो सबके छूटते हैं। दादी का भी शरीर छूटेगा, क्यों? क्योंकि उन्होंने तो बेसिक नॉलेज को ही सर्वोपरि माना है। जैसे ब्रह्मा ने बेसिक नॉलेज को सर्वोपरि माना, ऐसे ही ब्रह्मा को फॉलो करने वाले ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने भी बेसिक नॉलेज को सबसे ऊंची चीज मान लिया। तो जो अधूरी पढ़ाई को सबसे ऊंचा मानने वाले हैं, वो ब्रह्मा की ही तरह शरीर छोड़ने वाले हैं। अकाले मौत से उनकी मृत्यु होती है। ऐसे नहीं हो सकता कि उनकी मृत्यु न हो। बाबा संबंध संबंध दिया है ये आगे वालों ने तुम्हारी बात नहीं समझ पाई, फिर से बोलो। सुहावना संगम युग। हाँ आग पर दौड़ते हुए दिखाते हैं। हाँ ये भाग्यशाली की निशानी है या दुर्भाग्यशाली की निशानी है? हैं? जो पावरफुल होंगे वो आग के ऊपर से पानी के ऊपर से दौड़ते हुए तैरते हुए चले जाएंगे या डूब जाएंगे, जल के भस्म हो जाएंगे? नहीं, जो पावरफुल होंगे वो तो आग से भी दौड़ते हुए चले जाएंगे। ये कामाग्नि की आग है, स्थूल आग की बात नहीं है। और कोई जरूरी है कि सब ब्रह्मा कुमार कुमारी जो हैं वो एक ही बाबा को जल्दी पकड़ लेंगे? कोई तो ब्रह्मा कुमार कुमारी ऐसे हैं जो इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वाले हैं, जैसे कुमार का दादी विश्वकिशोर भाऊ। सेकंड नारायण बनेंगे, ब्रह्मा बाबा की गद्दी भोगते हैं तो सेकंड नारायण बने ना। कोई ऐसे हैं जो बौद्ध धर्म में कन्वर्ट होंगे, बुद्ध को ही भगवान मानेंगे। कोई ऐसे हैं क्राइस्ट को ही भगवान मानेंगे, सबसे ऊंचा मानेंगे। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि सब ब्रह्मा कुमार कुमारी जो हैं वो शिव बाबा को साकार रूप में वैसे ही पहचानेंगे जैसे सूर्यवंशी पहचानते हैं, नंबरवार पहचानेंगे, आगे पीछे पहचानेंगे। ओम शांति।